नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स पर। आज मिलाद उन नबी ईद मिलाद के अवसर पर मुसलमान भाइयों की तरफ से काफ़ी बड़ा जुलूस निकाला गया अकोड़ीगोला में, और आप देख सकते हैं लोगों की हुजूम, लोगों की भीड़ कितनी बड़ी है। इस जुलूस में काफ़ी धूमधाम से जुलूस निकाला जाता है, दुनिया भर में इस दिन जुलूस निकाला जाता है। दुनिया भर में जिस कंट्री में भी मुसलमान भाई लोग रहते हैं वहाँ पर इस दिन जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला जाता है। तो चलिए हम जानते हैं एक मुसलमान भाई से ही आज के दिन के बारे में कि यह जुलूस क्यों निकाली जाती है। हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर आज उनका जन्मदिन है, तो उसी के मौके पर मतलब यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जिस जिस कंट्री में है वहाँ वहाँ पर ये निकाला जाता है बड़े ही धूमधाम से और अदब एहतराम के साथ। हर साल अकोड़ीगोला में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस दिन बहुत ही धूमधाम से जुलूस निकाली जाती है। तो चलिए फिर हम एक दूसरे मुसलमान भाई से सुनते हैं कि यह जुलूस कहाँ से निकली, कहाँ तक जाएगी, शांति और अमन के लिए। ये जुलूस अकोड़ीगोला में कहाँ से कहाँ तक? अकोड़ीगोला में चारों रोड मस्जिद से उठाई जाती है और करबला तक ले जाई जाती है, फिर PNB बैंक तक, उसके बाद में ये बराड़ी गोला का जो अगला है बराड़ी गांव तक, और छपरा वाली रोड में आपको अगले मंदिर तक, उसके बाद में मस्जिद तक चली जाती है, समाप्त होती है। ये जुलूस पंजाब नेशनल बैंक की तरफ गई थी और वहां से फिर ये जुलूस वापस मुड़कर राजपुर रोड पर जा रही है, राजपुर रोड की तरफ जाएगी, फिर वहां से बराड़ी जाएगी और फिर वहां से वापस लौटेगी और उसके बाद छपरा रोड की तरफ जाएगी चांदनी रोड पर, और फिर वहां से वापस आकर जामा मस्जिद पर फिर से वापस जाएगी और वहां से जुलूस की समाप्ति होगी। ये अभी आप देख सकते हैं ये बराड़ी से लौट कर आ चुकी है जुलूस। मैंने पिछली बार भी देखा था जब मुहर्रम की जुलूस निकली थी, उसका भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था और अपलोड किया था, काफ़ी प्यार दिया था आप लोगों ने। उस वीडियो में मैंने देखा था कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड जुलूस होती है इनकी, मीन्स से इतने अनुशासन पूर्वक ये जुलूस निकलती है कि इसमें कोई भी शोर शराबा या कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होती है किसी भी तरफ से, किसी भी मुसलमान भाई की तरफ से। तो दोस्तों, इसी तरह से अपने आसपास की खबरों से हमेशा अवगत रहने के लिए और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।